विधानसभा में कांग्रेस ने अपने तरीके से मुद्दे उठाए और जाहिर तौर पर आखिरी सत्र में अपनी बात भी रखी। करण दलाल जी हमारे साथ हैं। सर, आपने काफ़ी मुद्दे उठाए और लगा सदन में घेरने की पूरी तैयारी करी, क्या लगा, कितना घेर पाए और किन मुद्दों को उठा पाए? देखिए, जितने भी हरियाणा प्रदेश के लोगों के जो गंभीर मुद्दे थे, हमने सब मुद्दों के ऊपर सरकार की घेराबंदी की और सरकार एक भी मुद्दे के ऊपर संतुष्ट तरीके से जवाब नहीं दे सकी। चाहे वो किसानों का मुद्दा था, जो धरनों पे बैठे हुए हैं, जिन किसानों को मुआवजा नहीं मिलता है, चाहे उनका मुद्दा था, या कर्मचारी भाइयों का मुद्दा था, या कानून व्यवस्था का मुद्दा था, या किलोमीटर स्कीम जिसमें खुद मुख्यमंत्री संलिप्त हैं, और इसके अलावा बेरोजगारी, प्रदेश के ऊपर बढ़ता हुआ कर्ज, प्रदेश की बिगड़ती हुई आर्थिक हालत, किसी भी एक बात का जवाब सरकार ठीक तरीके से नहीं दे सकी। और अब ये जनता की अदालत में हम इन मुद्दों को लेकर के जाएंगे। जितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 5 वर्षों में किया है, उसकी भरपाई करने के लिए ज़रूरी है कि सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हरियाणा से उखाड़ फेंकना होगा और नए सिरे से यहाँ हरियाणा के अंदर सरकार बनेगी और जो भरपाई प्रदेश के लोगों की होनी है वो तब होगी। ये कह रहे हैं कि तो हम तो 75 से भी आगे आ रहे हैं और उन्होंने जैसा सदन में आपने देखा होगा, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि पहले तो इतना ही कीजिए कि आप वापस आ रहे नहीं आ रहे, और आपने कहा कि मैं पिछले 25 सालों से लगातार आ रहा हूं तो मैं आगे भी आऊंगा। तो क्या लगता है कि कांग्रेस किस स्थिति में है और सदन में क्या उपस्थिति होने वाली है आगामी चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई उपलब्धि इस सदन के अंदर उन्होंने नहीं गिनवाई, ना किसी सार्वजनिक स्थान पर अगर ये हमारे साथ बहस करें तो कोई ऐसा काम इन्होंने नहीं किया है जो दोबारा से यहाँ आने का ये अपना कोई अधिकार रखते हों। इन्होंने प्रदेश को जातियों में बांटने का काम किया है, धर्म में बांटने का काम किया है, लोगों को गरीब अमीरों में बांटने का काम किया है और प्रदेश की जो एक भाईचारा था उसको बदनाम किया है। तो ये नापाक सरकार है, इस नापाक सरकार को दोबारा से हरियाणा के लोग शायद मौका नहीं देंगे। धन्यवाद। तो ये थे करण दलाल जी, जो साफ तौर पे कह रहे थे कि उनकी अगली तैयारी पूरी है और कांग्रेस कहीं ना कहीं रोल बैक करके विधानसभा में आएगी और जाहिर तौर पर अपना बहुमत भी हासिल करेगी। कैमरामैन सियाराम के साथ कुमार रमेश, R9 TV, चंडीगढ़।